शिक्षा के साथ साथ जो खेलकूद है ये भी बहुत आवश्यक चीज है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल शिक्षा से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं लेकिन खेलकूद से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे आए दिन देखते हैं कि इंडोर गेम्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, घर बैठे हर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में खेलते हैं। लेकिन जरूरी है क्या, मानसिकता के साथ साथ शारीरिक विकास की भी जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलकूद के माध्यम से भी जो है शिक्षा देते हैं, खिलाते ही हैं, बच्चों भी खेलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बच्चे जो हैं यहाँ पे खेलकूद भी कर रहे हैं, शारीरिक विकास भी होगा और साथ ही साथ मानसिक विकास भी होगा। छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्रिएट करते हैं, मगर हम लोगों उन लोगों को प्यार से अच्छे तरीके से जिस तरह से उनको हैंडल किया जाता है एक माँ की तरह छोटे बच्चों को समझा करके पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं उसी तरह यहाँ के भी सभी बच्चे हमारे ही हैं, अपने बच्चों की तरह। हाँ, परेशान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्यार से समझाया जाता है और वो प्यार से हैंडल करते हैं। जैसे हम उनको अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं और प्यार से वो अच्छे तरीके से हम लोग से हैंडल होते हैं, समझते हैं, कुछ दिन आते हैं, रोते हैं और फिर बहुत अच्छे से घुल मिल करके हम लोग के साथ पढ़ने लग जाते हैं। देखिए, चूंकि हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, सो समटाइम डिफिकल्टी तो होती है, लेकिन सीबीएसई एक ऐसा सॉल्यूशन है हमारे इस विद्यालय में। मैक्सिमम टीचर हमारे पास जो होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स होते हैं बिसाइड्स हिंदी एंड संस्कृत, और चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है बिसाइड्स हिंदी संस्कृत सभी कुछ इंग्लिश में होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें होने की वजह से अच्छी सराउंडिंग मिल जाती है उनको। स्कूल प्रीमिसेस में हमारे यहाँ इंग्लिश ही अलाउड है, एवरीबॉडी स्पीक्स इंक्लूडिंग टीचर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो सुनते सुनते कई बार क्या होता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। वी ऑल अंडरस्टैंड, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे बच्चे में जो भाषा का विकास होता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर क्लास पेन पेपर्स एंड द वर्डिंग्स, इट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स, जैसे परिवेश में रहता है वैसे डेवलप होता है। तो सिमिलरली बच्चे हमारे यहाँ 6 घंटे होते हैं स्कूल प्रीमिसेस में एंड द कैंपस लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होता है, दैट्स व्हाई इट फ्लरिशेस एंड वी कंट्रीब्यूट, वी हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे के एक्टिविटीज में काम करें एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। स्कूल का स्थापना मैंने 2008 में किया था। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार के और बिहार से बाहर बहुत सारे स्कूलों में दिए बच्चों को, कि जो कल परेशानियां हमको हुई तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम खगड़िया में एक ऐसा स्कूल खोले जहाँ हर अमीर गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ सके। तो मैंने 2008 में स्कूल स्टार्ट किया और चूंकि स्कूल में शौक से स्टार्ट किया, मेरी कोई मजबूरी ऐसी नहीं थी, और 2008 में स्टार्ट करने के बाद अनवरत मेरा स्कूल जो है दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर तबके के बच्चे, चाहे वो गरीब के हों अमीर के हों, पढ़ करके बच्चे अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके। आज मेरा जो स्कूल है मैं क्वालिटी टीचिंग देता हूँ, क्वालिटी टीचिंग और डिसिप्लिन ही मेरा अपना पहचान है। मैं एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी देता हूँ। आज के समय में बच्चे अपने बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। लॉकडाउन के दरमियान बच्चों के हाथ में मोबाइल गया, मोबाइल के कारण बच्चे बहुत ज्यादा जो है एटीट्यूड उनका निगेटिव हो गया। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम मॉरल एजुकेशन पर विशेष रूप से भी ध्यान देते हैं कि बच्चे एजुकेटेड होने के बाद मॉरली भी एजुकेटेड हो कि अपने बड़ों को सम्मान करें, अभी अभिभावकों को सम्मान करें। मेरा प्रयास रहता है कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, माँ जन्म देती है मगर रास्ता तो टीचर ही दिखाते हैं, टीचर ही बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, तो टीचर के प्रति भी बच्चों को सम्मान होना चाहिए। इस पर्पज से भी, इस उद्देश्य से भी हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। रह गई बात कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में जितने भी टीचर हैं, हम क्वालिटी टीचिंग से कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर स्किल बेटर नहीं है तो उस टीचर को हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे ही हमको अगर निगेटिव आता है फीडबैक, हम उस टीचर को चेंज करते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, अगर हम टीचिंग व्यवस्था अच्छी नहीं देंगे, क्वालिटी टीचिंग नहीं देंगे, तो अभिभावक हमारे यहाँ क्यों देंगे अपने बच्चे को। मेरे यहाँ सारी सुविधा है, स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है, डेकोरेटेड जूनियर के लिए जो प्री स्कूल है वो डेकोरेटेड क्लासरूम है, उसमें एसी की भी व्यवस्था है, मेरे यहाँ कंप्यूटर लैब है, मेरे यहाँ स्मार्ट क्लास है, ये सारी सुविधा हम दिए हुए हैं। बच्चों को उच्चतम शिक्षा देने की व्यवस्था करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमारे और उसे बहुत अच्छा हमारे स्कूल में व्यवस्था हो, इनके लिए हम अच्छे टीचर की व्यवस्था करते हैं और
अपने देख रेख में कि हमारे स्कूल में टीचर अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं या ना, ये हमारे देख रेख में होती है। खगड़िया के पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे एक बार कम से कम एडीएस में आकर देखें कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बार आकर वो देखें कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ किस तरह की पढ़ाई है और कैसे बच्चे को शिक्षा मिल रही है। ओके, पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने अबोध बच्चों को हमको दीजिए, हम उसको सुबोध बनाएंगे, देश के एक अच्छे नागरिक बनाएंगे। आपसे निवेदन है कि एक बार आकर के हमारे कैंपस को विजिट कीजिए, देखिए कि क्या हम टीचिंग व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है। आप संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ देंगे। क्या एड्रेस है सर स्कूल का? स्कूल का पता जो है एडीएस पब्लिक स्कूल नियर वेस्ट रेलवे के रिंग खगड़िया।